अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंडिपेंडेंट डे केक बनाएंगे 14 अगस्त के हवाले से। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें हमारे पास यहाँ पे पाउडर्ड शुगर है 1 कप, 1 कप मैदा है, 3/4 कप ऑयल लिया है हमने, 4 अंडे की सफ़ेदी है और 4 अंडे की जर्दी है, दोनों का अलग अलग कर लिया हमने। और यहाँ पे हमारे पास वेनिला एसेंस है और सिरका है। सिरका 1 टेबल स्पून डालेंगे हम जब हम सफ़ेदी को बीट करेंगे, ताकि जो हमारी सफ़ेदियाँ हैं वो अच्छी तरह से बीट हो जाएँ, फिर बैठ ना जाएँ। और फिर यहाँ पे मेरे पास ग्रीन कलर है, हम 2 टोन बनाएंगे बेस भी और अपनी जो क्रीम है वो भी, तो इसके लिए हमें ग्रीन कलर चाहिए। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अंडे की सफ़ेदी ऐड करेंगे बॉल में। साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सिरका। भी ऐड हो गया। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमने पैन लिया था, स्क्वायर पैन, इसको मैंने ग्रीस किया हुआ है और लाइन बटर पेपर से लाइन किया हुआ है, और फिर हमने इसको दोबारा ग्रीस किया है। ठीक है, तो अब हम इसको बीट करते हैं। जी, तो हमारे जो अंडे की सफ़ेदी हैं वो देखें, इतनी अच्छी तरह से बीट हो चुकी हैं कि ये गिर नहीं रही हैं। इसी तरह से आपने इसको इतना ही बीट करना है कि ये गिरे नहीं। ठीक है जी, अब ये हो गया है। अब हम इसके अंदर जर्दियों को ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इसको ऐड कर देंगे अपने सफ़ेदियों के अंदर। अब हम इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून। और अब हम इसको साथ साथ बीट करेंगे और साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। इसकी साइड्स को हम साफ कर लेंगे। और इसको हम दोबारा अच्छी तरह, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। जी, तो अब हमारा ऑयल, चीनी सारा कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे, 1 टेबल स्पून मैदा डालते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है। 1 टेबल स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे लेवर्ड करके। ये देखो, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, इसको भी हम इस तरह से कर लेंगे।
अब हम इसको इसमें से थोड़ा सा बैटर लेंगे, तकरीबन 1/4 हम इसमें से बैटर इसमें शिफ्ट करेंगे और इसमें फिर हम इसके अंदर ग्रीन कलर ऐड करेंगे। बस ये तकरीबन आप समझ लें कि हाफ कप हमारे पास केक का बैटर है, हाफ कप। इसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करके देखेंगे पहले कि हमें कितना कलर चाहिए। थोड़ा सा और डालेंगे, ये देखें हमारा जो है परफेक्ट ग्रीन कलर आ गया। हमें इसी तरह ग्रीन कलर चाहिए था। आप लाइट और डार्क अपनी पसंद से रख सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम पैन लेंगे, पैन के अंदर पहले हम हाफ ये वाला बैटर ऐड करेंगे। ग्रीन बैटर लेंगे, इसको आपने इसके ऊपर डाल देना है ऐसे और इसको टूथपिक की मदद से आपने इस तरह से कर लेना है, गोल गोल या जिस तरह से मर्जी कर लें। मार्बल टच देना है आपने इसको। ठीक है, ये देखें बाकी हम बाकी बैटर डालेंगे। और रिमेनिंग जो ग्रीन वाला ये भी डाल देंगे। अब हम इसको स्वेल कर लेंगे दोबारा से। ठीक है, अब ये देखिए हमारा जो केक का बैटर तैयार है, उसको हम एक दफ़ा टैप करेंगे और अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे फॉर अबाउट 20-25 मिनट्स के लिए। जी, तो हम केक को डेकोरेट करने के लिए, उसकी आइसिंग करने के लिए यहाँ पे हमने इसकी आइसिंग बनानी है। इसके लिए यहाँ पे हम मैंने व्हिप क्रीम ली है, व्हिपिंग क्रीम। शुगर लेंगे हम 2 टेबल स्पून और ग्रीन कलर लेंगे, ग्रीन कलर की आइसिंग बनाने के लिए, क्रीम बनाने के लिए। तो हमें इसके लिए 2 टोन्स में चाहिए, तो हमें वाइट चाहिए और ग्रीन चाहिए। वाइट हमें कम चाहिए क्योंकि वाइट से सिर्फ हमने जस्ट उसको फ्लैग बनाना है, तो फ्लैग में आपको पता है कि वाइट पार्ट कितना होता है। तो पहले हम वाइट के लिए कर लेते हैं। ये मैंने तकरीबन आप समझ लें 1 कप जितनी मैंने इसमें क्रीम ले ली है।
थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ टी स्पून टू 1/4 टी स्पून। और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून चीनी। ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी जो क्रीम है वो व्हिप्ड हो चुकी है। इसी तरह से सेम हम ग्रीन वाली व्हिप कर लेंगे। हमने ग्रीन वाली ले ली है, अब ग्रीन वाली के लिए भी सेम हम ऐसे ही करेंगे। 2 टेबल स्पून भर के आपने इसमें डाल दी चीनी, वनीला एसेंस जाएगा 1/4 टी स्पून और इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन कलर। पहले थोड़ा सा करते हैं फिर देखेंगे और मज़ीद करना हो तो और कर लेंगे। जी तो हमारी जो क्रीम है वो भी रेडी हो गई, हम इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए और सेट हो जाए। जी तो केक जो है वो हमारा तैयार हो गया है। केक को हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक किया था। और उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप जब भी आपको लगे कि चेक हो गया टाइम तो आप इसके अंदर स्क्वायर डाल के या टूथपिक डाल के उसको चेक कर सकते हैं। अगर वो क्लीन आएगी तो उसका मतलब कि हमारा केक जो है वो रेडी है। अब मैं इसको प्लेट में शिफ्ट कर लेती हूँ। साइड है हमने क्योंकि अच्छे से ग्रीस की हुई थी तो इसने खुद ही जो केक है हमारा उसने खुद ही छोड़ दिया है साइडों को। थोड़ा टैप करेंगे और इसको हम शिफ्ट करेंगे अपने तरफ। तो ये देखें हमारा जो केक है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। ये भी गर्म है, मैं इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे कि ये हमारा जो केक है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जी तो केक हमारा ठंडा हो चुका है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको थ्री लेयर्स में काटें या 2 लेयर्स में। मैं इसको 2 लेयर्स में काट रही हूँ, 3 लेयर्स में काट रही हूँ। लेयर्स में आपका हो गया है, अब मैं इसको मॉइस्ट करेंगे हम दूध के साथ। दूध के अंदर मैंने तकरीबन 1/2 कप दूध लिया और इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून चीनी ऐड की थी। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अब हम इसको केक की जो अपनी लेयर्स हैं इनको मॉइस्ट करेंगे। लेयर होती क्योंकि इक्वल होती है तो इसको आप कोशिश करा करके ये ऊपर वाली साइड पर आ जाए। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ और हम ये वाली ले लेते हैं।
ठीक है, तो केक हमारा मॉइस्ट हो गया है, अब हम इसके अंदर क्रीम बनाएंगे। कंप्लीट हो गई, दूसरी को भी हम मॉइस्ट कर लेंगे। जी दूसरी लेयर भी हमारी मॉइस्ट हो गई, इस पर भी हम क्रीम लगा लेंगे। ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम जो साइड इस साइड पे आनी है उसको हम मॉइस्ट करेंगे। तो ये भी मॉइस्ट हो गया हमारा, अब हम इसको ठीक है ये देखेंगे, ऐसे हो गया। अब हम इसको शिफ्ट कर लेंगे अपनी प्लेट पे। ये देखें, अब हम इसको करेंगे फ्रॉस्ट व्हाइट क्रीम के साथ। जी तो हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारी जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी। तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।